إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قواعد أربعة की शरह का दर्स जारी है और पिछले दर्स में पहले कायदे का बयान किया था। क्या था पहला कायदा? क्या था? मुशरिक मक्का जो है तौहीद रुबूबियत का इकरार कर देते हैं, लेकिन इसकी वजह से वो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते। जज़ाकुमुल्लाह। इससे कोई और बेहतर मुशरिकीन मक्का या आमतौर पर काफिर जितने भी थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, वो सारे के सारे तौहीद रुबूबियत का इकरार करते थे। देखें, सिर्फ इल्म नहीं था, शसा का लफ्ज़ युक़िर्रून, इकरार करते थे। और इकरार और इल्म में क्या फ़र्क है? एक तो है सिर्फ जानना, एक जानने के बाद यकीन करना। तो कोई यकीन था कि अल्लाह ताला के सिवा कोई खालिक, कोई राज़िक, कोई तदबीर करने वाला नहीं, इसके बावजूद भी वो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। अच्छा, इसकी दलील में शेख साहब ने एक आयत बयान की कि सूरत की आयत है। आयत याद नहीं, कोई हर नहीं। सूरत का नाम क्या है? सूरत यूनुस। जज़ाकल्लाह खैर। आयत याद है किसी को? आपको याद है? अम्मन यमलिक वल अब्सार वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित वयुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य वमन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलून अल्लाह फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून। इसमें से चंद कवायद मैंने बयान किए थे, कुछ फायदे भी थे। कोई तीन बता सकता है? इस कायदे में से मैंने 12 फवाइद बयान किए थे, उसमें से तीन कोई बता दे। तीन कुछ याद है? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब? हाँ, वो कहां से मिला हमें? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद और माने यह कभी नहीं है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई खालिक नहीं, कोई राज़िक नहीं, कोई तदबीर करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि ये ईमान तो उन कुफ्फार का भी था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, लेकिन फिर दायरे इस्लाम में ना दाखिल हुए। यानी वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए उनको ये इल्म नहीं था कि ला इलाहा इल्लल्लाह का सही माना क्या है। दूसरा, तौहीद रुबूबियत और तौहीद उलूहियत में फ़र्क। तौहीद रुबूबियत क्या है? कि अल्लाह ताला के सिवा कोई खालिक, कोई मालिक, कोई तदबीर करने वाला नहीं। ठीक है। तौहीद उलूहियत क्या है? तौहीद इबादत जिसे कहते हैं कि अल्लाह ताला के साथ कोई माबूद बरहक नहीं। ठीक है। जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह का मानी यह बयान किया कि अल्लाह ताला के साथ कोई खालिक, राज़िक, तदबीर करने वाला नहीं, क्या उसने सही तर्जुमा बयान किया? उसकी दलील क्या है? यही आयत है, अफला तत्तक़ून। अगर तुम ये मानते हो कि अल्लाह ताला वाहिद रब है, तो ये भी तुम्हें मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला वाहिद महबूद है। और ला इलाहा इल्लल्लाह का यही मकसद है, यही माना है। आज शुरू करते हैं दूसरा कायदा। शेख साहब फरमाते हैं अलक़ायदतु थ्वानिया अन्नहुम यक़ूलून मा दअवनाहुम व तवज्जहना इलैहिम इल्ला लितलब अलक़ुरबति वश्शफ़ाअह। अन्नहुम यक़ुलून, बेशक वो कहते हैं। कौन? कुफ्फार सारे, मुशरिकीन भी बीच में है, अरब मुशरिकीन, यहूद भी हैं, नसारा भी हैं, जो भी उस वक़्त मौजूद थे काफिर सारे के सारे। अन्नहुम यक़ुलून, वो ये कहते हैं। मा दअउनाहुम, हमने उनको पुकारा नहीं। किसको? अपने माबूदों को। उनको पुकारा नहीं, यानी उनकी इबादत नहीं की। वतवज्जहना इलैहिम, और उनकी तरफ तवज्जुह नहीं की, यानी उनको अपना सब कुछ नहीं समझा। इल्ला, सिवाय इसके, लितलबिल क़ुर्बति वश्शिफ़ा, सिर्फ इसलिए कि हम अल्लाह ताला की नज़दीकी हासिल करें उनके ज़रिए, अपने महबूदों के ज़रिए, और शफायत के लिए कि ये हमारी शफायत करेंगे। बस ये कायदा है। और इस कायदे में देखें शेख साहब जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, अन्नहुम यक़ुलून, वो कहते हैं, और आम सारे के सारे काफिर उस जमाने में थे, वो सारे के सारे एक ही बात करते थे बराबर। यहूदी भी यही कहते, नसारा भी यही कहते, और मुशरिक अरब भी यही कहते। क्या कहते? मा दअउनाहुम, हमने उनको पुकारा नहीं। और याद रखें, यह भी एक कायदा है, याद रखें, जब भी दुआ का लफ्ज़ आए बगैर किसी क़ैद के, सिर्फ दुआ का लफ्ज़, तो उसका मतलब इबादत होता है। जब भी दुआ का लफ्ज़ आए तो उसका मतलब इबादत होता है, सारी की सारी इबादत। वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअ अल्लाहि अहदा, सूरह अल जिन में। क्या मसाजिद में सिर्फ दुआ मांगी जाती है या इबादत की जाती है? इबादत की जाती है। तो इसलिए जब भी लफ्ज़ दुआ का आए तो उसका मतलब सिर्फ पुकार नहीं, सिर्फ दुआ नहीं, बल्कि इबादत। मा दअउनाहुम, यानी हमने उनको पुकारा नहीं और ना ही उनकी इबादत की, अपने माबूदों की। वतवज्जहना इलैहिम, और ना ही हमने उनकी तरफ तवज्जुह की और उनको अपना सब कुछ समझा। इल्ला, ये के, यहां पे हस्र है, याद रखें। मा इल्ला, ये अल इस्तिस्ना फी सियाक़ नफी, नफी अगर शुरू में हो और उसके साथ इल्ला आ जाए, इसे कहते हैं अल इस्तिस्ना फी सियाक़ नफी। नफी और इस्तिस्ना दोनों अगर आ जाए, इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ये खास है, यानी इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला नफी के लिए है, इल्ला इस्तिस्ना के लिए है, यानी कोई माबूद नहीं बरहक सिवाय अल्लाह ताला के, यानी अगर कोई इबादत के लायक है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला। यहां पर शेख साहब ने वही इबादत, वही जुमला, वही सियाक लेके आए। मा दअउनाहुम वतवज्जहना इलैहिम इल्ला लितलबिल क़ुर्बति वश्शिफ़ा, यानी हमारा जो ताल्लुक है अपने माबूदों के साथ, वो ये नहीं कि हम उनको रब समझते हैं कि इन माबूदों ने हमें पैदा किया या रिस्क दिया या तदबीर हमारी की, हम ये जानते हैं, ये इनका काम नहीं है। तो फिर पुकारते क्यों हो, फिर इबादत क्यों करते हो? वो इसलिए करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये जो माबूद हमें अल्लाह ताला के नज़दीक कर देते हैं और ये हमारी सिफारिश करेंगे, बस इसके अलावा हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। बात समझे? यार अपने माबूदों से क्या ताल्लुक है तुम्हारा, जब तुम ये जानते हो ये माबूद, ये पत्थर, ये दरख्त, ये दरिंद, ये परिंद, ये नबी, ये वली, ये फरिश्ता, इन्होंने ना तुम्हें पैदा किया, ना ये तुम्हें रिस्क देते हैं, और ना ही ये तुम्हारा नफा नुकसान के मालिक हैं, फिर उनको सजदा क्यों करते हो, इनकी इबादत क्यों करते हो, इन्हें पुकारते क्यों हो? जवाब में क्या कहते हैं? हम इनकी इबादत सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह ताला के नज़दीक कर दें और क़यामत के दिन हमारी शिफायत करें, सिफारिश करें अल्लाह ताला के। हम शेख साहब दलील बयान करते हैं। अब फदलीलुल क़ुर्बा क़ौलुहु तआला, अब शेख साहब यह बयान कर चुके हैं कि सिर्फ दो वजह हैं जिसकी वजह से ये काफिर जो हैं अपने माबूदों की इबादत करते हैं। अब दलील भी ज़रूरी है, बगैर दलील की तो बात नहीं होती ना। शेख साहब फरमाते हैं फदलीलुल क़ुर्बा, क़ुर्बा कहते हैं किसी के नज़दीक होने के लिए, करीब, नज़दीक, क़ुर्बा नज़दीकी। फदलीलुल क़ुर्बा, तो नज़दीकी की यह दलील है, क़ौलुहु तआला, इरशाद बारी तआला है, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, वल्लज़ीना, और जिन्होंने, अल्लज़ीना इस्म मौसूल है और मैंने पिछले दर्स में बयान किया था कि सिगाउल उमूम में से है कि आम है। अल्लज़ीना जिन्होंने, कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मुशरिकीन अरब हों, ज़रूरी नहीं कि यहूद हों या नसारा हों, यानी जिसने भी। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, और जिन्होंने इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, और जिन्होंने अल्लाह ताला के सिवा दोस्त बना रखे हैं। मा नअबुदुहुम, हम उनकी इबादत नहीं करते, इल्ला, सिवाय इसके, लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि ये हमें अल्लाह ताला के करीब कर दें। ज़ुल्फ़ा करीब। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यहकुमु बैनहुम, अल्लाह ताला फैसला फरमाएंगे, फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून, जिसमें वो इख्तिलाफ करते हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यहदी, हिदायत नहीं देते, मन हुआ काज़िबुन कफ़ार, जो झूठा है कुफर पर कुफर करने वाला। कफ़ार फ़अल के वजन पे फ़अल, यानी सिर्फ एक मरतबा नहीं बल्कि बार बार करने वाला। कोई फ़अल बार बार करे तो उसे फ़अल कहते हैं। कफ़ार सिर्फ एक मरतबा कुफर नहीं बल्कि कुफर पे कुफर करते जाते हैं। इस आयत करीमा में देखा शेख साहब ने इंसाफ किया है। जब अब शेख साहब की इबारत किया है, मा दअउनाहुम वतवज्जहना इलैहिम इल्ला लितलबिल क़ुरबति वश्शफ़ाअह, ये अल्फाज थे। अब कुरान अब ये अल्फाज कहां से लेके आए? अब कुरान की आयत को देखें जरा गौर से। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला, वो सिगा है कि नहीं? मा नअबुदुहुम, मा दअउनाहुम वतवज्जहना इलैहिम इल्ला लियुक़र्रिबूना इल्ला लितलबिल क़ुरबा, वही कोई चीज़ है। यानी अपनी तरफ से शेख साहब कोई चीज़ नहीं लेके आए, ताकि कोई शख्स यह ना कहे तो अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं और आम मुसलमानों को जो कलमा पढ़ते हैं उन पर तोहमत लगा रहे हैं कि वो भी मुशरिकीन की तरह है। तो शेख साहब ने ये आयत बयान की है जिसका आगाज होते वल्लज़ीना, सीग़तुल उमूम में से, जिसमें सारे के सारे लोग शामिल हैं। और दूसरी बात यह है कि इस आयत करीमा में मा नअबुदुहुम, नहीं इबादत करते, इल्ला लियुक़र्रिबूना, इल्ला ये कि हमें नजदीक कर दें अल्लाह ताला के, यानी सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम उनकी इबादत करते हैं। फैसला तो अल्लाह ताला करेगा क़यामत के दिन, हक पर कौन था, बातिल पर कौन था, यह सब वाज़ेह हो जाएगा। और ये याद रखें, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़ार, अल्लाह ताला उस शख्स को कभी भी हिदायत नहीं देता जो झूठा हो और कुफर पर कुफर करने वाला हो। झूठा क्यों? क्योंकि उसे बताया जा रहा है कि ये जो तुम्हारा गुमान है कि ये तुम्हें अल्लाह ताला के नजदीक कर देंगे, तुम इसलिए उनको इनकी इबादत करते हो, तो ये तुम्हारा गलत गुमान है, तुम झूठे हो, तुम्हारा ये झूठा दावा है, तुमने उनकी इबादत की है। तुम जितना भी कहो कि हमने सिर्फ नजदीकी हासिल करने के लिए उनको पुकारा है, तुम झूठ बोलते हो। फिर भी इसरार किया, अगर फिर इसरार करते हो तो फिर एक कुफर नहीं, कफ़ार, कुफर पर कुफर करने वाले। और ऐसे शख्स को दुनिया में हिदायत नसीब नहीं होती, याद रखें, और आखिरत में भी हलाकत है। यह दलील थी क़ुरबा की, नजदीकी की। वह दलील उस शफ़ाअत, शेख साहब फरमाते हैं, और शफ़ाअत की दलील क्या है? क़ौलुहु तआला, इरशाद बारी तआला है, वयअबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यदुर्रुहुम वला यंफअहुम वयक़ूलून हाउलाए शुफ़अाउना इंदल्लाह, सूरह यूनुस आयत नंबर 18। जो पहली आयत मैंने बयान की तो क़ुरबा की, वो सूरह ज़ुमर आयत नंबर 3 की आयत थी। और ये जो अभी शेख साहब शफ़ाअत की दलील बयान कर रहे हैं, ये सूरह यूनुस आयत नंबर 18। शेख साहब फरमाते वदलील शफ़ाअ, और शफ़ाअत की दलील क़ौलुहु तआला, इरशाद बारी तआला है, वयअबुदून मिन दूनिल्लाह, और इबादत करते हैं अल्लाह ताला के सिवा। किसकी? मा ला यदुर्रुहुम, जो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, वला यंफअहुम, और ना ही उनको नफा पहुंचा सकते हैं। वयक़ूलून, और वो ये कहते हैं, हाउला, ये लोग जो हैं, ये मअबूद जो हैं जिनकी हमने इबादत की है, शुफ़अाउना इंदल्लाह, हमारे शिफाअत करेंगे, हमारी सिफारिश करेंगे अल्लाह ताला के यहाँ। और इसके और इस आयत करीमा में वाज़े है कि उन्होंने इस चीज का इकरार किया कि वो इबादत करते हैं। ये वो अपनी जुबान से कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? कुफ्फार, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थे, खासतौर मुशरिकीन अरब। ये आयत उन पर नाज़िल हुई, लेकिन जो इब्रा है वो सिर्फ सबब की इस आयत की नुज़ूल की वजह नहीं है, बल्कि ये आयत सबको शामिल है। जिसने भी ये अमल किया वो इस आयत में शामिल है। वयअबुदूना, उन्होंने इकरार किया, उन कुफ्फार ने इकरार किया कि हमने उनकी इबादत की, अपने मअबूदों की इबादत की, अल्लाह ताला के सिवा इबादत की। वयअबुदूना मिन दूनिल्लाह मा ला यदुर्रुहुम, वो ये भी जानते हैं कि उनको ना तो नफा पहुंचा सकते हैं ना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो फिर इबादत क्यों की? वयक़ूलूना हाउलाए शुफ़ाआउना इंदल्लाह, सिर्फ हमारी सिफारिश करेंगे बस, इनको और कोई काम नहीं है। शेख साहब आगे फरमाते हैं वश्शफ़ाअतु शफ़ाअतान, और शफ़ाअत सिफारिश दो किस्म की है। इससे पहले कि मैं ये बयान करूं, देखते हैं शफ़ाअत क्या है। अरबी जुबान में शफ़ाअत कहते हैं लफ्ज़ शफ़ाअ, जिसे हम कहते हैं ताक उर्दू में। वितर एक होता है, शफ दो होते हैं, यानी एक से दो हो जाना। एक से दो वो भागना नहीं, एक से दो हो जाना, बल्कि एक से यानी एक नहीं बल्कि दो हो जाना। और शरीयत में इसका मतलब यह है अत्तवसुत तलब अलखैर लिलगैर बिजल्ब मनफअ औ दफ़अ मदर्रा। तवसुत दो चीजों के दरमियान में आना। एक से दूसरे के लिए खैर तलब करके, और यह खैर दो सूरतों में होता है, या एक शख्स से दूसरे को नफा पहुंचाना, यानी एक शख्स से कोई काम फंसा हुआ है, उसका मनफायत रुकी हुई है, तो बीच में आके एक से दूसरे की जो मनफायत है, जो फायदा है, उसे पहुंचाना सिफारिश करके। औ दफ़ मदर्रा, या कोई नुकसान उस शख्स को होने वाला है, कोई तकलीफ पहुंचने वाली है, सिफारिश करके उसकी तकलीफ को दूर कर देना, इसे कहते हैं सिफारिश, शफाअत। और शफाअत की दो किस्में हैं शरीयत में। शफाअत की दो किस्में हैं। नंबर एक, जैसे शेख साहब फरमाते हैं वशफाअतु शफाअतान, और शफाअत दो किस्म की होती है, शफाअतुन मनफिया व शफाअतुन मुस्बता। नंबर एक, मनफी शफाअत, यानी जो शफाअत होती ही नहीं, उसका नाम शफाअत है, लेकिन वो शफाअत काबिल कबूल नहीं, मनफी शफाअत, नेगेटिव जिसे कहते हैं। नंबर दो, वो शफाअतुन मुस्बता, और मुस्बत शफाअत, जिस शफाअत का वजूद भी है और जिसे अल्लाह ताला कबूल भी फरमाएंगे। आइए देखते हैं मनफी शफाअत क्या है। फशफाअतुल मनफिया, बस मनफी शफाअत यह है मा कान तुतलब मिन गैर अल्लाह फीमा ला यक़दिरु अलैहि इल्ला अल्लाह। मनफी शफाअत वो है जो अल्लाह ताला के सिवा किसी और से मांगी जाए, तलब की जाए, हर उस अमल में या हर उस काम में जिस पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह ताला के सिवा कोई भी कादिर नहीं। अब इसकी मिसाल देखें। एक शख्स से कहता है या रसूल अल्लाह, मुझे नेक और सालिह औलाद अता फरमा। आमतौर पे इसी तरीके से जो मुखालिफिन इस तरीके से ये दुआ मांगते हैं। जब मुझसे सवाल किया जाता है आपने यहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा है, और गैरुल्लाह को पुकारना हर उस काम में जिस पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला कादिर है, इसे शिर्क कहते हैं, शिर्क अकबर है। कहते हैं हमने पुकारा तो नहीं है, हमने तो सिर्फ वसीला बनाया है, हमने वसीला बनाया, हमने कहा हम जानते हैं कि औलाद अता करने वाला सिर्फ उस अल्लाह ताला की जात है, अल्लाह ताला से कोई भी औलाद अता नहीं करता। तो हमने जब ये कहा अपनी जुबान से कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नेक और सालिह औलाद अता फरमा। हमारा ईमान, हमारी नीयत, हमारा अकीदा ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करें कि अल्लाह ताला हमें नेक और सालिह औलाद अता फरमाए। क्या उनका कौल दुरुस्त है? नहीं दुरुस्त। क्यों? शफायत का मतलब क्या है? अभी मैंने बयान किया है। दो चीजों के दरमियान में एक तीसरी चीज आती है जो उन दोनों को करीब कर देती है, जैसे कि नहीं। और यहां पर कितनी चीजें हैं? एक मांगने वाला है, एक वो जिसे मांगा जा रहा है। तीसरी चीज कोई है? नहीं है। मैं समझे कि नहीं? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नेक और सालिह बेटा अता फरमा। किसे पुकारा जा रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त पुकारा जा रहा है। शफाअत का मतलब है कि एक तीसरी कोई चीज है जिसे आप पुकारते हैं या जिसे आप यह तलब करते हैं कि आपको उस चीज तक पहुंचाया जाए जहां पर आप अपनी फरियाद कर रहे हैं। जुबान से तो आप यह कह रहे हैं कि हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, अकीदे में दिल से आप यह कहते हैं कि हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, लेकिन जुबान से क्या कह रहे हैं? या रसूल अल्लाह मदद। तो ये सिफारिश कभी हो ही नहीं सकती, ना शरीयत में, ना अरबी जुबान में, और ना ही उर्फ में। और ये तीन हक़ाइक़ हैं जो मौजूद हैं। हक़ीक़त या शरईया होती है, या लुग़विया होती है लुग़त के एतबार से, या उर्फिया होती है उर्फ के एतबार से। शरीयत ने भी यह बयान किया सिफारिश शफाअत की यह मफ़हूम है कि आप किसी तीसरी ज़ात को दो के दरमियान में लेके आए और फिर इस तीसरी चीज को उस चीज के लिए सिफारिश बनाए जो आपको उस चीज के लिए करीब कर दे जिसके आप करीब होना चाहते हैं। तो आपके ये अल्फाज कि या रसूलुल्लाह मदद, मिसाल के तौर पे, ये आप बराह रास्त मांग रहे हैं, इसे कभी भी सिफारिश या शफायत नहीं कहा जाता। रह गई है बल्कि हमारी नीयत अच्छी थी, यह कायदा अच्छी तरह याद कर लें, ज़हनशीन कर लें। यह कायदा आपको बहुत जगहों पर इंशाअल्लाह फायदा देगा। अन्नियतु सालिहा ला तुस्लिहु अल-अमल अल-फासिद, लिखना ये। अन्नियतु सालिहा अन्नियतु सालिहा ला तुस्लिह अल-अमल अल-फासिद। अच्छी नीयत बुरे अमल को कभी अच्छा नहीं कर सकती। वह नीयत अल-फासिदा तुफसिद अल-अमल अल-सालिह, और बुरी नीयत अच्छे अमल को फासिद कर देती है। अब मिसाल से बात आसान हो जाएगी। अच्छी नीयत एक तरफ है और दूसरी तरफ है बुरा अमल। इसकी मिसाल, एक शख्स गुजर रहा है, रास्ते में उसने एक खूबसूरत औरत को देखा और रुक गया और देखता रहा। किसी ने कहा, अब ये क्या कर रहे हो, गैर महरम औरत है, हराम है, आप पर क्यों देख रहे हो? वो कहता, मैं औरत को नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूं कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत चीज पैदा की है। मैं तो अल्लाह ताला की अजमत को देख रहा हूं। क्या उसके लिए जायज है? नहीं जायज। क्यों? क्योंकि गैर महरम की औरत की तरफ देखना हराम है, शरीयत में हराम है। और यह नीयत कि अल्लाह ताला की अजमत आप देखना चाहते हैं, यह अच्छी नीयत है, लेकिन अच्छी नीयत ने आपके इस बुरे अमल को अच्छा कभी नहीं किया। इसलिए हम ये कहेंगे आपकी इस अच्छी नीयत से आपको फायदा नहीं होगा, सवाब नहीं होगा, बल्कि गुनाह होगा, और गुनाह डबल होगा। एक आपने हराम चीज की तरफ देखा, फिर यह गुमान करके कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। और यहां पर भी जो शख्स ये कहता है कि या रसूलुल्लाह मदद, उसकी नीयत अच्छी है, लेकिन ये अल्फाज शिर्क हैं। शिर्क कभी भी, यानी अच्छी नीयत कभी भी शिर्क को तौहीद में तब्दील नहीं कर सकती। ठीक है, याद हो गया। वो दलील क़ौलुहु तआला। अब ये मनफी जो शफाअत है उसकी दलील शेख साहब बयान कर रहे हैं। वह दलील क़ौलुहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु अंफिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला बैअुन फ़ीही वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। सूरह अल बक़रा आयत नंबर 200। सूरह अल बक़रा में आयत नंबर 254। दलील के तौर पर शेख साहब आयत बयान करते हैं, इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। और याद रखें, जब भी आप कुरान मजीद में यह जुमला पढ़ें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो अपने कान अच्छी तरह खोल के और अपने दिल को अच्छी तरह तैयार करके यह बात सुने। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब आप कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनू सुने, फरअहा समअक, तो अपने कान खोल लें और अच्छी तरह से सुने। या तो खैर की खबर है, या तो खैर का हुक्म है जो तुम्हें दिया जा रहा है, या शर से बचने का हुक्म है जिसमें तुम्हारा नुकसान है, या कोई ऐसी खबर है जिसमें खैर है या शर है जिसे तुम्हें बयान किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं इस आयत में क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अपने कान अच्छी तरह खोल के सुनो। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला ने आपको ईमान के नाम से पुकारा है, अगर वाकई मोमिन हो तो इस पर अमल जरूर करना। अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करो, खैरात करो उस माल से जो हमने तुम्हें अता किया। मिन क़ब्ल, इससे पहले, अन यअतिय यौमुन, कि ऐसा दिन आए, ला बैअुन फ़ीही, ना उसमें खरीदो फरोख्त है, वला ख़ुल्लतुन, और ना उसमें कोई दोस्ती है, ना कोई दोस्त के काम आएगा, वला शफ़ाअह, और ना ही उस दिन कोई शफाअत कर सकेगा। और यही दलील है शेख साहब की कि उस दिन में कोई शफाअत कर नहीं सकेगा। वला शफाअत वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून, और काफिर ही जुल्म करने वाले हैं, जालिम हैं, अपने ऊपर जुल्म करते हैं। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन तीन चीज़ों की नफ़ी की। ला बैउन, खरीद फरोख्त नहीं, यानी अगर आपने इस दुनिया में किसी का माल लिया, जुल्म किया किसी पे, किसी का हक खाया और मर गए, वो शख्स भी मर गया, आप भी मर गए। अब कयामत के दिन जब हिसाब होगा और इंसान देखेगा कि किस तरीके से मुश्किल और कठिन हिसाब है, कोशिश करेगा कि वो जिस पर उसने जुल्म किया दुनिया में कि उसका हक वापस कर दे। भागेगा, देखे वहां पर कोई रियाल दिरहम नहीं, वहां पर दो चीजें हैं, या हसनात हैं या सय्यात हैं, या नेकियां हैं या बदियां हैं, बस कुछ नहीं। तो देखेगा कोई पैसा कहीं से मिल जाए, मैं वापस करूं, दुनिया वापस करूं, सोना चांदी वापस करूं, कुछ नहीं है। तो उस दिन खरीदो फरोख्त नहीं है, कुछ नहीं होगा, ना खरीद होगी ना फरोख्त, कुछ नहीं होगा। वला खुल्ला, और ना ही दोस्ती होगी, और ना ही दोस्त कोई किसी दोस्त के काम आएगा। अफरा तफरी का आलम होगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह, वो दिन है जिसमें सगे भाई से भाई भाग जाएगा, अपने माँ बाप से भाग जाएगा, बीवी बच्चों से भाग जाएगा। अरे भागेगा क्यों? देखेगा हो सकता है कि किसी की नेकी कम पड़ जाए, मुझसे कोई नेकी ना मांग ले, भाग जाएगा। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। तो और खलील कहते हैं उस दोस्त को जिसने पूरे दिल को घेर के रखा हो, जिसकी मोहब्बत ने दिल को भर दिया हो, उसे कहते हैं खलील। आम दोस्त नहीं, जिसके पीछे सारी जिंदगी लगा दी, जिसकी मोहब्बत में सारी जिंदगी गुजार दी। आपका सबसे करीबी दोस्त आज आप इस दुनिया में देख लो कौन होगा। क़यामत के दिन अगर तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं है जो एक मुवहिद की सलाहियत है, तो वो तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। ये आगे बात बयान करेंगे, क्योंकि शफाअत मुसब्बता भी है, तो यहां पर शफाअत की नफी की जा रही है, दोस्ती की नफी की जा रही है, तो फिर दोस्त भी तो शफाअत करेंगे, आगे जैसे बयान होगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई मादा है ही नहीं, कोई सलाहियत है ही नहीं कि कोई उनके काम आ सके, कोरे हैं, कुछ नहीं उनके पास। तो सबसे प्यारा दोस्त, सबसे करीबी दोस्त उस दिन आपके कोई काम लाएगा। वला शफाअत, और शफाअत करने वालों की शफाअत भी काम ना आएगी। वल काफिरून हुमुल ज़ालिमून, और काफिर ही जालिम है, अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं। वह शफाअतुल मुस्बता, और मुस्बत शफाअत वो है, हिय अल्लती तुतलबु मिन अल्लाह, ये वो शफाअत है, वो सिफारिश है जो अल्लाह ताला से तलब की जाए, अल्लाह ताला से मांगी जाए। क्यों? क्योंकि शफाअत का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। याद रखें, इरशाद बारी ताला है वलिल्लाहि शफाअतु जमीअन, सारी की सारी शफाअत का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। तो फिर मांगना भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से चाहिए कि नहीं, कि अल्लाह ताला फलां को मेरा शफीअ बना दे, ये दुरुस्त है। बराह रास्त आप किसी से मांग कर, किसी को पुकार के शफीअ नहीं बना सकते। या रसूलल्लाह मदद एक लफ्ज है, दूसरा है कि अल्लाह ताला मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमाए या नसीब फरमाए, और एक ये दुआ है। एक तो शिर्क है और एक तौहीद है, दोनों फर्क देखें। वजह क्या है? शफाअत के मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, और यही शफाअत है जो अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। कौन सी है? हिय लती तुतलबु मिन अल्लाह, ये वो शफाअत है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगी जाए। वश्शाफिउ मुकर्रमुन बिश्शफाअह, और जो शफाअत करने वाला है, जिसके अल्लाह ताला शफाअत कबूल फरमाएगा, जो सिफारिश कर रहा है, अल्लाह ताला उसकी इज्जत फरमाएगा। मुकर्रम है वो, बाइज्जत है, इज्जत वाला है, उसका दर्जा बुलंद फरमाएगा उसकी शफाअत कबूल करके। वल मशफूउ लहू, और जिसकी शफाअत की जा रही है, कौन है? मन रज़ियल्लाहु क़ौलहु व अमलहु बअदल इज़्न, और जिसकी शफाअत की जा रही है ये वो शख्स है जिसका अल्लाह ताला, जिस पर अल्लाह ताला राजी हो, जिसके कौल पर और अमल पर अल्लाह ताला राजी हो, बअदल इज़्न, इजाजत के बाद। और इसमें शेख साहब ने शफाअत की दो शर्तें बयान कर दी हैं। याद रखें, शफाअत की दो शर्तें हैं, दो किस्में खत्म होगी, मनफी और मुस्बत। मुस्बत शफाअत जो है, अब इसकी बात हो रही है, इसकी दो शर्तें हैं। नंबर एक, अल इज़्न बिश्शफाअह, शफाअत की इजाजत देना। अगर अल्लाह ताला इजाजत ना दे किसी को, तो उसकी शफाअत काबिल कबूल हो ही नहीं सकती। इरशाद बारी ताला है, आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, मन ज़ल्लज़ी, मन फिर वही बात है, मन ज़ल्लज़ी, कौन है वो, यशफ़अउ इंदहु, जो अल्लाह ताला के सामने किसी की भी सिफारिश करे, इल्ला बिइज़्निह, सिवा अल्लाह ताला की इजाजत के। कोई है? कोई भी नहीं है। और यह चैलेंज है, अल्फाज जो है बहुत सख्त अल्फाज हैं। वो कौन है तो कोई सामने आए, जिस तरीके से कहते हैं अवाम उन्नास से बात, कोई है तो सामने आए, दिखाए कौन है वो जो अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर यह अमल कर सके, कोई भी नहीं है। तो सबसे पहली शर्त अल्लाह ताला की इजाजत, अल्लाह ताला की इजाजत नहीं तो सिफारिश। इसकी मिसाल कोई है? कोई जानता है? इजाजत नहीं तो सिफारिश नहीं। एक बहुत मशहूर मिसाल है, बारकल्लाह फीक, फतह अल्लाह अलैक, अबू तालिब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश की और उनके लिए दुआ भी की, लेकिन इजाजत नहीं थी। दूसरी शर्त है अर्रिज़ा, कि अल्लाह ताला जिसकी शिफायत की जा रही है उस पर राजी हो। अगर अल्लाह ताला राजी नहीं है तो शिफायत नहीं हो सकती। काफिर की शिफायत हो सकती है? काफिर की सिफारिश हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कुफ्र पर कभी राजी नहीं है, वला यरदा लिइबादिही अल-कुफ्र। इसकी दलील क्या है? वला यशफऊन इल्ला लिमन इर्तदा, और नहीं सिफारिश करते सिवाय उन लोगों की जिन पर अल्लाह ताला राजी हो। तो ये दो शर्तें भी याद रखें अच्छी तरह से कि शफाअत की दो शर्तें हैं। अगर ये दो शर्तें पाई जाएं तो इंशाअल्लाह शफाअत अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। दूसरी, अल्लाह ताला का राजी होना। अगर अल्लाह ताला राजी नहीं है मशफूअ पर जिसकी शफाअत की जा रही है तो उसकी शफाअत नहीं हो सकती। मुस्बत पॉजिटिव जो अल्लाह ताला मानेगा, आगे से दो है। हाँ, मुस्बत की दो किस्में हैं, नहीं मनफी तो अलग है। मुस्बत की दो शर्तें हैं। यहां शेख साहब सिर्फ एक दलील लेके आए हैं, कमा क़ाल तआला मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 255। तो ये इजाजत की दलील है और रजा की दलील मैं बयान कर चुका हूं। वला यशफ़अून इल्ला लिमन इर्तज़ा, यह कायदा है दूसरा। और इस कायदे में जो फवाइद हैं वो जल्दी से बयान करते हैं। अगर वक्त मिला तो मैं शफाअत की मजीद बात बयान करूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत क्या है और कितनी शफाअतें हैं। लोग ये कहते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह, ये लोग जो हैं हमारे बारे में कहते हैं कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते। ये गुस्ताख रसूल है, नऊज़ु बिल्लाह। हमारा यह ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नहीं 8 किस्म की शफाअत करेंगे क़यामत के दिन, 8, और इंशाअल्लाह आखिर में बयान करते हैं। आइए देखते हैं इसमें इस फायदे में क्या हमें फायदा मिलता है इस कायदे में। नंबर 1, पहले लोगों का शिर्क सिर्फ इसलिए था कि वो अपने मअबूदों को वसीला बनाते थे। पहले लोगों का शिर्क और कुफ्र की वजह क्या थी? कि वो अपने मअबूदों को वसीला बनाते थे। नंबर 2, उन लोगों ने इकरार किया था कि ये मअबूद नफा नुकसान के मालिक नहीं। नंबर 3, उन्होंने कहा हम सिर्फ वसीला बनाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम कुफ्र पर कुफ्र करते हो। जिसको वसीला समझते थे अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया ये वसीला नहीं है, ये कुफ्र है। नंबर 4, शफाअत की किस्मों को अच्छी तरह जानना और समझना। 2 किस्में बयान की हैं, मुस्बत और मनफी। नंबर 5, हर किस्म की शफाअत अल्लाह ताला के यहां काबिल कबूल नहीं, यानी मनफी शफाअत अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाते। नंबर 6, यह जानना कि शफाअत की 2 शर्तें हैं, इजाजत और राजी होना। इन 2 शर्तों के बगैर अल्लाह ताला शफाअत कबूल नहीं फरमाते। नंबर 7, शफाअत का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है और शफाअत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगनी चाहिए। नंबर 8, क़यामत के दिन शफाअत के सिर्फ वो लोग मुस्तहिक हैं, शफाअत के मुस्तहिक सिर्फ वो लोग हैं जो मुवहिदीन हैं, जिन्होंने तौहीद को समझा है और तौहीद पे अमल किया है, लेकिन उनके गुनाह हैं। जो गुनहगार मुवहिद हैं उनके लिए सिफारिश होगी क़यामत के दिन। और इसकी दलील में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सवाल करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह मन असअदुन्नास बि शफाअतिका यौमल क़ियामह, वो कौन सा खुशकिस्मत इंसान है जो आपकी शफाअत का हकदार हो क़यामत के दिन, वो खुश नसीब कौन है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसन मिन क़ल्बिह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा खुलूस दिल के साथ, यानी जुबान का कौल काफी नहीं। खुलूस दिल तब होगा जब इल्म होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्तें क्या हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के अरकान क्या हैं, फिर पता चलेगा खुलूस दिल के साथ ये मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह का। नंबर 9, बुजुर्गों को हद से चाहना और हद से बढ़कर मोहब्बत करना गुमराही की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। यह गुमराही के रास्तों में से एक खतरनाक रास्ता है। ये कहां से हमें मिला कि वो अपने माबूदों को हद से ज्यादा यानी नेक और सालिह लोग थे। जैसे पिछले दर्स में बयान किया था कि ये जो बुत थे ये कौन थे, असल में बुजुर्ग थे, नेक और सालिह लोग थे, उनके नाम के बुत बना दिए गए और उनको सिर्फ सिफारिशी बनाने के लिए हद से बढ़ गए और उनकी इबादत की। नंबर 10, लाइल्मी और जहालत का खतरा जिसकी वजह से हर दौर में लोग गुमराह हुए। नंबर 11, हवा नफ्स की पैरवी इंसान को हलाक कर देती है। हवा नफ्स इंसान की अपनी चाहत, अपनी मनमानी, वो ये समझता है कि ये जो बुत है यही मेरा सब कुछ है। अब उसे मना किया जा रहा है, ये ना तुम्हारा खालिक है, ना तुम्हारा राजिक है, ना तुम्हारा नफा नुकसान का मालिक है, ना तुम्हें तदबीर करता है। क्यों पुकारते हो इसे? भाई मैं सिफारिश बनाता हूं, भाई सिफारिश नहीं है, वैसे नहीं, यह कुफ्र है। यह भी बयान कर दिया कि यह कुफ्र है, फिर भी नहीं हम इसे पुकारेंगे, तो यह हवा नफ्स नहीं तो क्या है। नंबर 12, हिदायत के दरवाजे बंद हैं हर उस शख्स के लिए जो झूठा है और हद से गुजरने वाला है। इन अल्लाह ला यहदी मन हुआ काज़िबुन कफ़ार। नंबर 13, जिसे हिदायत चाहिए, ये जो हिदायत हासिल करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करे, कुरान और सुन्नत पर अमल करे, सलफ़ सालिहीन के मफ़हूम से, जैसे सहाबा कराम ने और सलफ़ सालिहीन ने इन कुरान की आयात को और सही हदीस को समझा है, उन पर अमल करते हुए वो हिदायत हासिल कर सकता है। इसके अलावा कोई रास्ता हिदायत का नहीं। नंबर 14, बाप दादा और बुरे उलमा की अंधी तकलीद हर दौर में शिर्क, बिदअत, खुराफात और हलाकत का बाइस बनी। ये कहां से मिला? अवाम उन्नास को किसने यह कहा था कि ये जो बुत हैं ये तुम्हारे लिए वसीला है? उलमा ने कहा, जो उस वक्त के उलमा मौजूद थे, नहीं। और आप जानते सबसे पहला बुत कौन लेके आया था मक्का में? कोई जानता है? बुत परस्ती कैसे शुरू हुई? हाँ नहीं, मक्का के हैं जो हुबल लेके आया था, शाम से लेके आया था। लुहई एक शख्स तब हकीम था, कुरैश में अकल वाला था, समझदार था और लोग उसे अपना सरदार मानते थे। बीमार हुआ, शाम की तरफ गए इलाज के लिए। आज हम भी कहां जाते हैं इलाज के लिए? यूरोप अमेरिका जाते हैं। तो शाम उस जमाने में यूरोप अमेरिका था, जजीरा अरब के लिए इलाज के लिए। जब कोई इलाज हो जाता तो वहां चले जाते, वहां पर इल्म था। इलाज के लिए गया तो देखा वहां पर लोग बुत परस्ती करते हैं। उन्होंने कहा मैं मक्का खाली हाथ जाऊंगा, मुझे भी कोई चीज दो। उन्होंने एक बुत दिया जिसका नाम हुबल था। वो बुत लेके आया और मक्का वालों को कहा, देखो इसे वसीला बनाओ तो अल्लाह ताला सुनेगा। तो उन्होंने उस वक्त उसकी इबादत की। फिर बुतों की तलाश में लोगों ने बहुत जद्दोजहद की, फिर लात उज़्ज़ा ये जद्दा से कहीं से इनको मिला। इस तरीके से जो 5 बुत थे नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, वद सुवा यगूस यऊक नसर, ये भी कहीं दफन हो गए थे तूफान में। तो खुदाई शुरू कहीं कहीं जहां जहां से बुत मिलता गया वहां पर नस्ब करते गए। हत्या के फतह मक्का के ज़माने में 8 हिजरी में 360 बुत थे काबे के इर्द गिर्द, 360 बुत। और इन उलमा को अब देखा अबू जहल, जहालत का बाप। अबू जहल हकीम था अपने जमाने का, याद रखें। मां के पेट से जहालत का बाप पैदा नहीं हुआ, सरदार था अपने कौम का। आपने कभी किसी अरबी को देखा किसी पागल को सरदार बनाते हुए? किसी देखा किसी अरबी को? तो फिर अबू जहल को कैसे सरदार माना? अबू जहल की जहालत जो है उसके शिर्क में है, उसके कुफर में जहालत है। दुनिया के लिहाज से वो जाहिल नहीं है, बुत परस्ती ने उसे जहालत का बाप बना दिया। और आज भी याद रखें, जो भी शिर्क की तरफ बुलाता है वो अबू जहल का भी बाप है। जितनी बड़ी दाढ़ी हो, जितनी बड़ा इमामा हो, जितनी बड़ी गद्दी पे बैठा हो, जो शिर्क की दावत देता है शरीयत की बुनियाद के मुताबिक वो शख्स अबू जहल का भी बाप है। नंबर 15, वसीला और शफाअत की अहमियत और उसका इल्म हासिल करने की जरूरत। क्योंकि ये 2 वो रास्ते हैं जिसकी वजह से अक्सर लोग गुमराह हुए हर दौर में, वसीला और शफाअत। और यही वसीला और शफाअत थी जिसकी वजह से मुशरिकीन ने मक्का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के काफिर करार दिए गए। और हर दौर में ये चीज़ें मौजूद हैं। आज के दौर में भी देखें, जो शिर्क फैला हुआ है उम्मत में, उसके रास्ते, उसकी वजह, सबसे बड़ी बुनियाद यह है कि ये हमारी सिफारिश करेंगे, ये हमारा वसीला है। वसीला मैं थोड़ी सी देर में चंद अल्फाज में बयान कर देता हूं और शफाअत के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा वक्त है। याद रखें, वसीला की 2 किस्में हैं, जायज वसीला और नाजायज वसीला। और नाजायज वसीला की 2 किस्में हैं, शिर्की वसीला और बिदई वसीला। जो जायज वसीला है वो ये है कि शरीयत के मुताबिक किसी को वसीला बनाना, यानी जिसे आप वसीला बना रहे हैं उसकी कोई दलील हो कुरान मजीद से या सही हदीस से या इजमा से, इसे कहते हैं शरई वसीला। और इसके 4 किस्में हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला के नाम को वसीला बनाना। मिसाल के तौर पे, या अल्लाह या रहमान इरहमनी, कि अल्लाह ताला ए रहम करने वाले मुझ पर रहम फरमा। यहां पर आपने अर्रहमान जो अल्लाह ताला का नाम, उसे वसीला बनाया कि अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए। दूसरी किस्म है अल्लाह ताला की सिफात को वसीला बनाना, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका, ए जिंदा ए क़य्यूम पूरी कायनात को थामने वाले, बिरहमतिका तेरी रहमत से, अस्तगीथ इस्तिगासा करता हूं, मदद तलब करता हूं। और इस्तिगासा होता है मुसीबत की शिद्दत में किसी से मदद तलब करना। और गौस का लफ्ज भी, गौस किसे कहते हैं? जो मुसीबत की शिद्दत में मदद करे उसे कहते हैं गौस। और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, याद रखें। अगर कोई गौस है दुनिया में तो वो कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला है। मुसीबतों में, हलाकत में कौन नजात अता फरमाता है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला। तो या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, इस्तिगासा अल्लाह ताला की रहमत से किया जा रहा है। और रहमत अल्लाह ताला की सिफत है, अर्रहमान नाम है, रहमत सिफत है। नंबर 3, कोई शख्स अपने नेक और सारे अमाल को वसीला बना सकता है। यानी अगर कोई शख्स यह कहे कि अल्लाह ताला मैं अपने वालिदैन से हुस्न सलूकी को वसीला बनाता हूं कि अल्लाह ताला मुझे इस इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। अब यहां पर वालिदैन का हुस्न सलूकी इबादत है, नेक अमल है, उसको आपने वसीला बनाया कि अल्लाह ताला आपको कामयाब कर दे। इसकी दलील क्या है? सही बुखारी में मशहूर किस्सा है उन तीन लोगों का जो मुसाफिर थे, बारिश आ गई, शदीद तूफान था, एक गार में चले गए और एक चट्टान आके गिर गई और गार का रास्ता बंद हो गया। अब हलाक होने वाले थे, निकलने का कोई रास्ता नहीं। तो एक दूसरे से उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, जो तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में कोई नेक और सालेह अमल किए हैं उनको अल्लाह ताला के लिए वसीला बना के अल्लाह ताला से मदद हासिल करें। तो एक शख्स ने अपने वालिदैन की हुस्न सलूकी को बतौर दलील पेश किया, बतौर वसीला बयान किया। किस्सा लंबा है, मैं इस पर सिर्फ जो शाहिद वो बयान कर रहा हूं। दूसरे ने ज़ना से बचने को, हराम से बचने को वसीला बनाया, और तीसरे ने अमानत में खयानत न करने को वसीला बनाया। और चट्टान आहिस्ता आहिस्ता हटती गई। जब तीसरे ने वसीला बनाया अमानत को, तो वो चट्टान बिल्कुल हिल गई और वो तीनों चले गए। अल्लाह ताला उनको नजात अता फरमाए। तो इस हदीस से यह फायदा होता है कि कोई भी शख्स अगर कोई भी नेक अमल करे, सिर्फ ये तीन नहीं, कोई भी नेक अमल, सलातुल लैल पढ़ी है, फर्ज नमाजें पढ़ते हो, रोजा रखते हो, ज़कात देते हो, सदका देते हो, खैरात देते हो, किसी से हुस्न सलूकी करते हो, मुस्कुरा के बात करते हो, इल्म हासिल करते हो, अब यहां पर जमा हो तलब इल्म के लिए, यह भी इबादत है। आप इसको भी कभी आप मुसीबत के वक्त में या किसी वक्त में वसीला बना सकते हैं। तो नेक और सालेह अमाल को वसीला बनाना भी शरई वसीला है। नंबर 4, किसी नेक और सालेह बुजुर्ग की दुआ को वसीला बनाना, किसी बुजुर्ग की दुआ को वसीला बनाना। वो कैसे? कि आप जाते किसी नेक और सालेह शख्स की तरफ और कहते हैं उद्उ अल्लाह अन यशफियनी, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे शफा अता फरमाए। जी मैं अभी आ रहा हूं, जल्दबाजी ना करें। एक नेक और सालेह शख्स की तरफ जाएं और ये कहें उद्उ अल्लाह अन यशफियनी। जिसकी तरफ आप जा रहे हैं और उसे आप ये कह रहे हैं कि उद्दु अल्लाह ताला की दुआ करें कि मुझे शफा दे, जिंदा है मुर्दा है, किसके पास जाएंगे? जिंदा के पास जाएंगे, हाजिर के पास जाएंगे, गायब के पास नहीं। यानी जो आपके सामने, जो आपके सुनता है, उसकी तरफ जाएंगे ना। तो ये बात है उसके लिए जो जिंदा है, जो आपके सामने है। इसकी दलील सही बुखारी में किसी को आती है? कोई दलील? हाँ, जज़ाकल्लाह खैर, ठीक है, यह भी अच्छी सही दलील है कि हज़रत उमर के ज़माने में शदीद कहत आया और मदीना में बैठकर कब्र के करीब उन्होंने हज़रत अब्बास को बुलाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा को, और उन्हें ये हुक्म दे कि तुम दुआ करो अल्लाह ताला से कि हमें अल्लाह ताला बारिश अता फरमाए। और उन्हें दुआ की, सहाबा करम ने आमीन कही और बारिश हो गई। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काली औरत का किस्सा, एक औरत गुजरी, अब्दुल्लाह बिन अब्बास बैठे हुए थे, सहाबा कराम बैठे थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं अगर कोई शख्स देखना चाहता है कि जन्नती औरत जो इस जमीन पे चलती है तो इस औरत को देखे। तो लोगों को ताज्जुब हुआ, ये कौन सी अजीम औरत है जो है तो जन्नती लेकिन इस जमीन पे चलती है। फिर पूछे ये कैसे? अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा हुआ था, तो एक औरत आई, काली औरत, यही औरत थी, और यह कहा कि या रसूल अल्लाह उद्उ अल्लाह अन यशफियनी, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमाए। देखें, औरत है, जाहिल है, इल्म नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन यह इल्म है कि अल्लाह ताला का हक अल्लाह ताला को देना है और नबी का हक नबी को देना है। उद्उ अल्लाह, दुआ किससे की जा रही है? किसे मांगा जा रहा है? अल्लाह ताला से, उदउल्लाह अन यशफियनी, कि आप नबी हैं, अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाकर रसूल बनाकर भेजा है, आप अल्लाह ताला की वही नाजिल होती है। मैं आपसे यही गुजारिश करती हूं कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे शिफा दे दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, अगर आप चाहें तो मैं दुआ करूं अल्लाह ताला आपको शिफा दे दे, और अगर आप ये चाहें कि आप सब्र करें अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाए। तो उस औरत ने यह कहा कि बल अस्बिर, कि मैं सब्र करूंगी, लेकिन एक गुजारिश है कि मैं जब बेहोश होती हूं, मुझे जब दौरे पड़ते हैं, उस औरत को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जब मुझे दौरे पड़ते हैं मैं बेहोश हो जाती हूं तो मेरे जिस्म से कपड़ा हट जाता है और गैर मर्द मुझे देखते हैं, अल्लाह ताला से यह दुआ करें कि मेरे जिस्म से कपड़ा ना हटे, बाकी मैं सब्र करूंगी, जन्नत चाहिए मुझे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की। सहाबा कराम गवाही देते हो, वो ये कहते हैं कि उस दिन के बाद जब भी वो बेहोश हुई और दौरा पड़ा, उसके कपड़े जिस्म से चिपक जाते थे। ये वो जन्नती औरत है जो उस जमीन पर चलती थी। तो ये दलील है कि आप किसी को भी दुआ के लिए कह सकते हैं कि मेरे लिए दुआ करें, यह भी जायज वसीला है। दूसरी किस्म का जो वसीला वह है ममनू वसीला, नाजायज वसीला। इसकी दो किस्में हैं। नंबर एक शिरकी वसीला जो शिरक है, नंबर दो बिदअ वसीला जो बिदअत है लेकिन शिरक नहीं है। शिरकी वसीला क्या है? या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अली मुश्किल कुशा मेरी मुश्किल आसान फरमा। तो ये जो अल्फाज हैं ये वसीले में इस्तेमाल किए जाते हैं, हकीकतन ये वसीला नहीं है। क्योंकि जैसे पहले बयान किया, वसीला क्या है कि दो चीजों के दरमियान में एक तीसरी चीज आती है, दोनों को करीब कर देती है। अब जितनी भी मैंने मिसालें बयान की हैं चार शरई वसीले में, अल्लाह ताला के नाम को वसीला बनाते हैं। अल्लाह ताला के और बंदे के दरमियान में अल्लाह ताला का नाम है वसीला। सिफत में अल्लाह ताला के और बंदे के दरमियान में सिफत है। नेक अमल अल्लाह ताला के उस बंदे के दरमियान में नेक अमल वसीला है, और दुआ अल्लाह ताला के बंदे में एक दुआ वसीला है। और यहां पर या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमा, अब दो चीजें, तीसरी चीज नहीं है। या मांगने वाला है या वो जिसे मांगा जा रहा है, तो इसे कहते हैं शिरक। और वसीला इसलिए हम कहते हैं सिर्फ मुखालिफिन को रद्द करने के लिए, वरना यह वसीला है ही नहीं। ना शरीयत में इसका इसे वसीला कहते हैं, ना लुगत में, ना उर्फ में, जैसे मैंने पहले बयान किया है। और नंबर दो जो बिदअ वसीला है, जो बिदअत है, वो ये है, इसकी मिसाल में कि अल्लाह ताला नबी के सदके मुझे कामयाबी अता फरमा, इसे कहते बिदअत। ये शिर्क क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह ताला का हक अल्लाह ताला को दे दिया। पुकारा किसे? अल्लाह ताला को, ए अल्लाह ताला नबी के सदके मुझे कामयाबी अता फरमा। अब शिर्क इसलिए नहीं है कि उसने नबी से नहीं मांगा, नबी को नहीं पुकारा, बल्कि अल्लाह ताला को पुकारा है। अच्छा, बिदअत क्यों है? क्योंकि इसकी दलील ही नहीं कि नबी को इस तरीके से वसीला बनाना कि नबी के सदके या वली के सदके या फुलां के सदके मेरी मुसीबत में आसानी फरमा। ये सदके का जो लफ्ज है इसकी कोई दलील नहीं है। बात समझ आई कि नहीं? और जिस चीज की दलील ना हो उसे क्या कहते हैं? कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, ये बिदअत है, इसे कहते हैं बिदअ वसीला। वसीला समझ आया? शफाअत पे बात करें। शफाअत, शफाअत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत। 8 शफाअत हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। गिनते हैं, देखिए कितने याद आते हैं। नंबर एक, उन लोगों के लिए शफाअत जिन पर जहन्नम वाजिब की गई है, यानी जो जहन्नमी थे लेकिन उन्हें जहन्नम से रोका गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफाअत की और वो जहन्नम में ना गए, यानी हिसाब किताब हो गया। मुवहिदीन हैं, उनके गुनाह ज्यादा थे, अब वो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, फरिश्ते लेके जा रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे, उन्हें रोक दिया जाएगा, जन्नत में लेके जाया गया। नंबर 2, जिनके हसनात और सेहत बराबर हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए शफाअत करेंगे कि इनको जन्नत में ले जाओ। सब नहीं, जिनकी शफाअत करेंगे, ठीक है, ये सब की बात नहीं हो रही। जिनकी अच्छाई और बुराइयां, हसनात व सय्यात बराबर हो गई, अब वो इंतजार में है, असहाबुल अहराफ में से हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे कि अब इंतजार ना करो जन्नत की, अब जन्नत में बराह रास्त चले जाओ। तो यह सिफारिश है। नंबर 3, जो जन्नत में दाखिल हो गए उनके लिए सिफारिश करना कि जन्नत में बुलंद दर्जे उनको हासिल हो। नंबर 4, कुछ ऐसे लोग हैं जो बगैर हिसाब व अजाब के जन्नत में जाएंगे। 70,000 की हदीस मशहूर है, सही बुखारी मुस्लिम की। लेकिन ये याद रखें, जितनी मैं बातें बयान कर रहा हूं ये सिर्फ मुवहिदीन उसा के लिए है, मुवहिदीन के लिए। जो मुवहिदीन हैं, जिनको जरूरत पड़ गई कि कोई उनकी सिफारिश करे, वे उनके लिए हैं सारे। जो मुशरिक है, जो काफिर है, उसकी कोई सिफारिश नहीं, ना नबी की, ना वली की, ना किसी फरिश्ते की। नंबर 5, अबू तालिब के लिए शफाअत कि जहन्नुम में सबसे कम अजाब उनको मिले। सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम में सबसे कम अजाब एक शख्स को मिलेगा जिसके पांव के नीचे 2 अंगारे रख दिए जाएंगे और उसका सर उबल जाएगा, और वो है अबू तालिब। नंबर 6, अश्शफाअतुल उज़्मा, सबसे बड़ी शफाअत कौन सी है? जानते हैं कौन सी है? उस वक्त तक हिसाब किताब शुरू नहीं होगा जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत नहीं करेंगे। किसी का हिसाब शुरू नहीं होगा। 50,000 साल का दिन होगा, क़यामत का दिन, 50,000 साल का, और हिसाब व किताब अल्लाह ताला शुरू नहीं करेंगे जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत नहीं करेंगे। सही बुखारी में मशहूर हदीस है कि लोग तड़प उठेंगे, परेशान हो जाएंगे कि हिसाब शुरू नहीं होता, जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम की तरफ। फिर आदम अलैहिस्सलाम से ये अर्ज करेंगे कि हमारी सिफारिश करें, शफाअत करें कि अल्लाह ताला हिसाब शुरू करें। आदम अलैहिस्सलाम इनकार करते हैं कि मैंने एक गलती की जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी, मैं सिफारिश नहीं कर सकता। तो इस तरीके से नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, फिर मूसा, फिर ईसा, फिर नूह, फिर इब्राहीम, फिर मूसा, फिर ईसा, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब आएंगे तो फरमाएंगे अनलाहा अनलाहा, अर्श के सामने जाएंगे, सजदा करेंगे। अल्लाह ताला उस वक्त अपनी तरफ से हम्द व सना, ऐसी हम्द व सना जो कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे इल्म नहीं था, अल्लाह ताला नाज़िल फरमाएंगे, मैं वो हम्द व सना पढ़ूंगा। कितनी देर तक अल्लाह ताला जानता है। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे इरफ़ा रासक, सर उठाओ, सल तुअता वशफ़ा तुशफ़ा, क्या मांगते मोहम्मद मांगो तुम्हें देता हूं, शफाअत करो आपकी शफाअत कबूल फरमाता हूं। बहुत लंबी हदीस है, बहुत प्यारी हदीस है, मैंने सिर्फ 5 सेकंड में जल्दी बयान कर दी है वक्त की कमी की वजह से। सही बुखारी में आप रजू कर सकते हैं, और इसमें बहुत अच्छे अल्फाज हैं, बहुत ही अजीम फायदे हैं इस हदीस में। 7वें नंबर पर, जन्नत के दरवाजे उस वक्त तक नहीं खुलेगा, किसी के लिए भी नहीं, किसी नबी के लिए नहीं, किसी वली के लिए नहीं, किसी जन्नती के लिए नहीं, जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश नहीं करेंगे। दस्तक देंगे, आवाज आएगी कौन? नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद फरमाएंगे आप ही के लिए हमें हुक्म था कि हम दरवाज़ा खोलें जन्नत का। दरवाज़ा खुलेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले दाखिल होंगे और उनकी उम्मत तमाम उम्मतों से पहले जन्नत में दाखिल होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सात हो गई, अब आठवीं कौन सी है? शफाअतुल उज़्मा, जन्नत में जाने के लिए शफाअत। नंबर 3, जिसके गुनाह ज्यादा हो जो जहन्नम को मुस्तहक है उसे जहन्नम में जाने से पहले रोक दिया जाए और जन्नत में चला जाए। जिसके गुनाह और सवाब बराबर हो उसको जन्नत में। नंबर 5, जो जन्नत में जा चुका उसके दर्जे बुलंद। नंबर 6, अबू तालिब के लिए। नंबर 7, कुछ ऐसे लोगों के लिए जो जन्नत में जाएंगे बहर हिसाब बगैर अजाब के, जिन्होंने तौहीद की बुलंदियों को तक पहुंचा। जो लोग तौहीद की बुलंद तक पहुंचे, जिनके तौहीद कामिल है, उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे बगैर हिसाब व अजाब के, वो जन्नत में जाएंगे। और नंबर 8, उन लोगों के लिए सिफारिश जो जहन्नुम में चले गए, उनको जहन्नुम से निकालने की सिफारिश और शफाअत। ये 8 शफाअतें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। और हमारा ये यकीन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, और जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का इनकार करता है हमारे नज़दीक दार इस्लाम से खारिज है, क्योंकि सिफारिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के अहदीस सहीह और सरीह अहदीस हैं। और शफाअत के मुनकिरीन कुछ ऐसे ग्रोह गुजरे हैं शफाअत जो इनकार कर, जैसे ख़वारिज और मुअतज़िला है। वो कहते हैं कि कोई सिफारिश कोई शफाअत नहीं है। याद रखें, शफाअत भी होगी। हाँ, जो तवील की वजह से इनकार करते तो अलग बात है, लेकिन जो जानबूझ के ये समझते हुए कि ये हदीस सहीह है और ये सिफारिश भी होगी, लेकिन वो इसका इनकार करता है, तो ऐसे शख्स का ईमान है ही नहीं। याद रखें, ये शफाअत पे बात थी। अगले दर्स में इंशाअल्लाह तीसरा कायदा बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है हमें इल्म नाफ़िअ अमल सालिह की तौफीक अता फरमाए, कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें हमारे ज़ुर्रियत को सब मुसलमानों को शिर्क बिदअत और खुराफात से नजात अता फरमाए। या अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमा और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार बना दे, और क़यामत के दिन भी हम उन लोगों में से हों जिनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करें, और जो मुक़र्रबीन में से हों। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.